नमस्कार दोस्तों, अभी हम एक मोटर में कंप्लेन आया है कि इसका जो रिबन है, जो बेल्ट होता है मोटर और ये कपलिंग रॉड को जोड़ने के लिए, इसका बेल्ट पूरा लूज हो गया है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसका बेल्ट लूज हो गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका हम ढक्कन निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका कवर था मोटर में लगा हुआ, और ये मोटर है जो कि आपको पहले भी बताया गया है कि GIS हॉल में जो AHU लगा हुआ है, एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर ब्लोअर है, एयर ब्लोअर मोटर। ये मोटर के बारे में कुछ देखते हैं। ये ABB का मोटर है, थ्री फेज मोटर है, लेकिन मोटर का डिटेल नहीं बताने आया हूँ। मैं बताता हूँ कि ये जो बेल्ट में कंप्लेन आया था कि ये बेल्ट देखिए बिल्कुल बहुत सारा लूज हो गया है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पूरा लूज हो गया है। इसे मैं कैसे रेक्टिफाई करता हूँ, क्योंकि बेल्ट लूज हो जाने से मोटर में साउंड आता है, और इसका जो कवर है कवर में टच कर जा रहा था। दिखाता हूँ आपको कवर में कहाँ टच कर, देखिए दोस्तों ये जो ब्लैक मार्क हो गया है, इसमें बेल्ट का टच होने के कारण रब होते 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 ये साउंड हो रहा था और वहाँ पे मार्किंग हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिखाते हैं इसका एडजस्टमेंट करना होगा, कैसे करेंगे। कोई भी मोटर में जो परमानेंट स्टेबलाइज होता है, यहाँ पे पूरा परमानेंट स्टेबल है ये मोटर, तो यहाँ से यदि बेल्ट लूज हो जाता है तो हम मोटर को नहीं घसकाएंगे। इसके लिए एक प्रोविज़न दिया जाता है, ये जो बोल्ट है ये एडजस्टमेंट बोल्ट है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसका इलाज करता हूँ, अभी हम इसका टाइट कर रहे हैं। अब इसका बेल्ट धीरे धीरे टाइट हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट बोल्ट है, उसे मैं इसे क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो लूज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो टाइट होगा। अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी जो घुमाया जा रहा है इस बोल्ट को, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये बेल्ट धीरे धीरे टाइट होगा, अभी भी लूज है, आप थोड़ा इंतज़ार करें, बेशक ये बेल्ट टाइट हो जाएगा और जो रब हो रहा है वो कवर में रब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा याद रखिएगा, आपके यहाँ इंडस्ट्री हो गया, इतना थोड़ा लूज रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी ठंडा का सीजन है, काफ़ी गर्मी के सीजन में ये थोड़ा लूज होगा टेम्परेचर बढ़ने के कारण। ठीक है, अभी सफिशियंट है, आप देखिए दोस्तों पूरा टाइट हो गया, पहले आप देख पा रहे हो पूरा लूज था। ठीक है, अब इसका कवर लगाते हैं, कवर को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये AHU रूम है दोस्तों, AHU बोले तो एयर हैंडलिंग यूनिट। सामने वाला जो रूम देख रहे हैं वो GIS हॉल है, इसमें पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए एयर का ब्लोइंग हमेशा प्रेशर में होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे AHU रूम भी लिखा हुआ है, और ये जो हम अभी इसका ट्रीटमेंट किए, कंप्लेन को रिसॉल्व किए, वो मोटर था और वो मोटर 2 था। अभी इसके लिए DOL स्टार्टर लगा हुआ है, ये दोनों मोटर को चलाने के लिए। देखिए दोस्तों, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, सारे इक्विपमेंट का डिटेल से जानकारी देंगे आपको हम। ठीक है दोस्तों, अभी सारे को हम ऑफ कर दिए, अब देख पाएंगे MCB सारे गिरा दिए हैं, यहाँ पे सप्लाई है पर MCB के थ्रू आउटपुट नहीं मिल रहा। देखिए टाइमर वगैरह सब बंद है, कॉन्टैक्टर वगैरह सब बंद है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेशन लैंप भी सारे बंद हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं मोटर का कवर लगा दिया गया, अब पूरा क्लीन हो गया, अब मोटर चलेगा तो आवाज़ भी नहीं करेगा। सेम इसमें भी मैंने सेम ट्रीटमेंट किया। ठीक है दोस्तों, इस मोटर में भी सेम ट्रीटमेंट किया हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए RLP टेक्नोलॉजी को थैंक यू, RLP टेक्नोलॉजी को बोलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ।